सुबह के 9 बजे हॉस्पिटल में मैं हूँ एंड मैं आप सबका वेलकम करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में मिस्टर ब्लैक एंड वाइट। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरे सारे लेटेस्ट कर्नाटक बाइक राइड के वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ एंड ये उसी सीरीज़ का एक पार्ट है जिसमें हम लोग हम्पी एक्सप्लोर करने वाले हैं। अभी मैं जा रहा हूँ हम्पी, हॉस्पिट से अराउंड 19 किलोमीटर से, मतलब 23-20 मिनट्स का काम है बस बाइक राइड का। अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ ND32 एंड मैंने शटर स्पीड रखा है 1/16, तो लेट्स सी रिजल्ट कैसे आता है। और आज हम लोग देखने वाले अलग साइड ऑफ हम्पी, रॉयल इन्क्लोजर, जहाँ पे जो रजवाड़े वगैरह, बर्थ प्लेसेस एंड ऑल, फाउंटन्स और लाइक एलिफेंट्स जहाँ पे रखते हैं एलिफेंट स्टेबल, और बड़े बड़े वेल्स, पुष्करणी वेल्स, स्टेप वेल्स जिसको बोलते हैं, ये चीज़ें आप एक्सप्लोर करने वाले आप हम्पी में। यश तो मेरे साथ नहीं है अभी सुबह सुबह, उसको थोड़ा एग्ज़ाम का काम है कॉलेज का, इसलिए वो पीछे रुक गया है। जैसे ही वो ख़त्म होगा वो मुझे ज्वाइन करेगा, क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। तब तक मैंने सोचा मैं थोड़ा एक्स्ट्रा एक्सप्लोर कर लेता हूँ। पहले मुझे ATM ढूंढना पड़ेगा, वहाँ पे हर जगह पे कैश देना पड़ता है, कोई फ़ोन पे वगैरह कुछ नहीं यूज़ करता। तो प्लीज़ अगर आप हम पे ट्रैवल कर रहे हो ना, तो इनफ कैश कैरी करो अपने साथ। लाइक हर जगह पे तो एंट्री नहीं है, कुछ कुछ टेंपल्स में एंट्री फ्री है। जहाँ जहाँ पे हम्पी के टेंपल्स में पूजा होती है रेगुलरली बेसिस, शायद मुझे लगता है उस जगह पे टिकट है, आई गेस यस। मैंने एक अन्ना थे वहाँ पे, उनसे बात किया था तो वो बोले कि जो जो टेंपल्स में पूजा होती है वो जल्दी बंद भी होते हैं, लाइक 5:30-6 बजे, एंड जिस टेंपल में पूजा नहीं होती वो देर तक खुले रहते हैं, 8:30 तक। कैसे आप कितना भी एक्सप्लोर कर सकते हो। ATM यार, इस जगह पे ATM नहीं है मतलब मुश्किल है। और हम्पी है यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में से एक जगह है, और यहाँ पे ATM नहीं है। वाह, गांव में मुझे सिर्फ एक ही ATM मिला SBI का, वहाँ पे मैंने कैश निकाल लिया है। राइट, ये है हम्पी का गेट, मतलब यहाँ से जो मोन्यूमेंट्स है वो चालू होते हैं। एक्चुअल हम्पी का गेट मैं आपको दिखा देता हूँ, आगे है थोड़ा सा, यही रॉयल इन्क्लोजर का गेट है अंदर, थोड़ा कच्चा रास्ता है, और शायद ये जो कंपाउंड वॉल के अंदर है ना, यही रॉयल इन्क्लोजर है। रॉयल इन्क्लोजर मतलब ये जो राजा का रहने का जगह रहता है, जहाँ पे राजा रहता था उस टाइम पे, उसका क्वीन बात वगैरह, क्वीन रहती थी। ये जो एक सेक्शन में उन्होंने रैप किया है हम्पी में देखने के लिए, काफ़ी अंदर है रॉयल इन्क्लोजर। गाड़ी लेके आप सीधा अंदर आ जाओ, कोई टेंशन नहीं, चलने की ज़रूरत ही नहीं है, जा सकते हैं। छाव में थोड़ा गाड़ी लगाते हैं और अंदर जाते हैं। रॉयल इन्क्लोजर के गेट के सामने मुझे एक गाइड जी मिले, उनसे बात करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि चलो इनको ही साथ में ले लेते हैं और बाकी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। इसका नाम क्या है? तो आपको बताऊं तो ये महानवमी। महानवमी मीनिंग नवरात्रि उत्सव फेस्टिवल, सो 9 days फेस्टिवल है। दिब्बा मीनिंग स्टेज, जो यहाँ पे कर्नाटक का माता भवानी आगे बैठा के राजा लोग बैठा था, सो ऊपर का है ना सैंडल उड़न का पिलर था पूरा जला दिया। सो इस तरफ 43 बिल्डिंग्स है, सो डिपेंड कलाकृति शो, सो यहाँ पे आके सो डांस, कथकली, भरतनाट्यम, लायन शो, एलिफेंट शो, विथ ऐसे टोटल कलरफुल 9 days फंक्शन चलता था। सो अभी नहीं, एक्चुअली 14th century में प्रौढ़ देवराय, एल्डन प्रौढ़ देवराय, मतलब दो का प्रौढ़ देवराय, तो वो टाइम पे यहाँ पे कलरफुल शो होता था, दशहरा फेस्टिवल। ओके, जब ये विजयनगर पतन होता है 1565 में, सो ये ताड़ेकोटी वारे, सो उसका नाम है रक्कसा तंगड़ी, मतलब बहुत गौरव वार।
सो ये विजयनगर के सुल्तान विजयनगर के ऊपर सो इस्लामिक राजा लोग पांचों राजा लोग मिलके एक बार वार चलाता है जब विजयनगर पत्थर होने का बाद मतलब सो प्लानिंग से जो जिलानी ब्रदर्स एजेंट लोग रहता है सो विजयनगर में जो आर्मी में ज्वाइन होने के बाद वार चलता है सो तो बीजापुर नियर तालेकोटी प्लेस का नाम है वो वार का नाम है रक्कसतंगड़ी सो वार में विजयनगर हार जाता है सो हारने का बाद अन्याचार ये विजय बहुमनी सुल्तान लोग विजयनगर में एंट्री करता है अन्याचार अत्याचार सो बाद में यहाँ पे का हिंदू धर्म का मूर्ति तोड़ के रख देता है टोटल सो चंदन का पूरा पैलेस जला दिया टोटल ऐसे ही जला दिया 6 मंथ जो सब फेस दिखता है मतलब हनुमान राम लक्ष्मण ऐसे फेस दिखता है मूर्ति सभी भिन्न कर दिया सो भिन्न कर दिया ना पूजा नहीं होता है हिंदू संप्रदाय का सो यहाँ पे शंकर भगवान का शिवलिंग एक ही छोड़ के सो शिव वैष्णव का पूरा मंदिर तोड़ा है मतलब वो अलंकारिक का प्रिया है सो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा तोड़ता है सो शंकर भगवान अभिषेक का प्रिया सो उसके बाद फेस नहीं मिलेगा देखने के लिए उसके लिए नहीं तोड़ा है सर शंकर भगवान का सो ऐसे अभी रुइंस बन गया इसका एंट्री अकॉर्डिंग टू गाइड जी थे उनके अकॉर्डिंग बैक साइड से इस महानदी दिशा के ऊपर अवार्ड फंक्शन या फेस्टिवल वगैरह सेलिब्रेशन होता था इसको चलने के लिए पीछे से रास्ता है अभी ऊपर चलते एकदम टॉप पे समझ आ रही है अभी छोटी छोटी जो हम लोग मिस करते थे उस टाइम का ही है क्या या बात है ये एक्चुअली विजयनगर कल्चर प्रोग्राम कार्विंग्स सो आगे कैसे फंक्शन बनता था तो वो पूरा पत्थर में कार्विंग करके दिखाया राजा लोग सो अभी तक देखने के लिए मिल रहा है जनरेशन के लिए न्यू जनरेशन के लिए सो ऊपर देख सकते हैं आप हाथी से जंबू सवारी सो मेरवनगी जा रहा है हाथियों से सो यहाँ पे रानी बैठा है सो रानी बैठा है सो यहाँ पे वंटियों लेके मेरवनगी जा रहा है यहाँ पे है ना मंगोलियन लोग सो आइडेंटिफाई करने के लिए टोपी वाला डैडी वाला ड्रमिंग चला रहा है सो यहाँ पे देख सकते है राजा है सब सो पर्शियन लोग सो उसका वेशभूषण देखकर आइडेंटिफाई करना पड़ता है जो घोड़ा का शो दिखा रहा है यहाँ पे आगे सो यहाँ पे रानी लोग हंटिंग कर रहा है सो कार्विंग है नीचे देख सकते हैं रानी बैठा है सो यहाँ पे पूरा राजा लोग वेलकम कर रहा है विथ परमिशन दे रहा है टोटल विजयनगर कल्चर प्रोग्राम कार्विंग है पत्थर में बना के दिखाया अभी देखने के लिए मिल रहा है सब तो भी आपको तो हंटिंग करने के लिए जाएगा ना तो हंटिंग कर रहा है सो कांटा रहता है ना पेड़ पेड़ में सो लेग में सो एक हंटिंग वाला लेडीज ने निकाल रहा है सो ऐसे सुंदर कॉर्विंग बनाए मतलब ये है 300 strong ग्रेनाइट सो ये ग्रेनाइट का 100 रहता है ये 300 स्ट्रॉन्ग सो कन्नड़ में वरटू भिणचे कल बोलता है स्टोन वरटू भिणचे कल कल्लू मतलब पत्थर यस सर इसलिए वो गणपति का नाम कुंडले काल सो कडले काल मतलब पिनाई अली है ना दो बीच का सो उसको कन्नड़ में कडले मतलब इंग्लिश में पिनाइट बोलता है ना तो उसको वहां पे स्पाइस मार्केट चलता था कडले काल शाश्वे काल गणेश तो बाद में बाल्या कृष्णा टेम्पल सो 3 मार्केट्स था पहले स्पाइस मार्केट वहाँ पे आंध्रा से 2 लोग आता था मतलब चिन्ना सेट्टी पेद्दा सेट्टी जो वहाँ पे स्पाइस मार्केटिंग चलाता था सर सो ये आके होली टैंक सो होली फेस्टिवल बनाने के लिए एक्चुअली पहले साउथ इंडिया में होली फेस्टिवल नहीं
सो कालकम निजी नगर में होली फेस्टिवल बना था। सो यहाँ के सिंगल स्टोन है सर। सो सिंगल स्टोन एक ही पत्थर का है, ये हाउस देख सकते हैं, इसके अंदर कलर मिक्स करने के लिए, सो वेजिटेबल कलर मिक्स करने के बाद होली खेल। उस टाइम के वाटर पाइप कैसे मेरे साइड कुछ है सोच के खुदाई करेगा। सो खुदाई करेगा ना, पूरा मट्टी खुदाई करने का काला पत्थर का लक्ष्मी देवी का सोना का चीज मिलेगा पूजा का। सो अभी मद्रास म्यूजियम में वहाँ पे ब्रिक्स का दिख रहा है लक्ष्मी देवी की, यस ये टूटा है ना ये का। सो रानी लोग यहाँ पे सो पानी लेके लक्ष्मी देवी को अभिषेक करने के। यहाँ पे देख सकते आगे सर ऊपर का वो स्टेप्स दिख रहा है, 9 चक्र। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप नीचे देख सकते हैं 7 चक्र, 1 2 3 4 5 6 7। सो यहाँ पे 5 1 2 3 4 5, सो 3 with 1। सो एक चक्र बनेगा हिंदू धर्म प्रकार 1 3 5 with 7 9 11। ऐसे चक्र बनता रहता है सर। जो बाद में स्टेप्स दिख रहा है ऊपर का दीप जलाने के लिए, तो कार्तिक मास में श्रावण मास में दीप जलाता था। सो यहाँ पे नया भी विरूपाक्ष टेम्पल, जैसे पुष्करणी देखने के लिए राजस्थान में जयपुर पुष्कर में मिलेगा बादाम भी। सो हम्पी में बहुत ब्यूटीफुल है विद बारिश के वजह से सर। ये स्टोन आके आंध्र प्रदेश वारंगल स्टोन, तो वारंगल से लेके आके बनाया, अभी है ना तेलंगाना हो गया वारंगल, तो तेलंगाना बन गया सर। बाद यहाँ पे कन्नड़ लैंग्वेज देख सकते हैं, पुराना कन्नड़ है विद नंबर विद नेम, नंबर विद नेम है। सो यहाँ पे ये फुशकर नीचे है, रिमूव करना पड़ेगा। सो रिमूव करके दूसरा प्लेस के पास बनाना पड़ता है ना, सो फिटिंग करना पड़ता है इजी, यही नंबर से फिटिंग करना पड़ेगा। सो इजी वर्क। ओके सो आप देख सकते सभी के पास सारे स्टोन का नंबर है, ताकि इसको उठा के दूसरी जगह पे प्लेस कर सकते हैं अच्छे से, इसलिए हर पत्थर पे मार्किंग किया गया है। चलो गाइस, तो इस वीडियो को यही करते हैं ख़त्म। आपको हम्पी डे 2 का पार्ट 1 कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।